शराब नीति घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो पहले से ही जेल में थे, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए हैं। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के 9 समन को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। शराब नीति घोटाले का फंदा, केजरीवाल पर शिकंजा, 2 घंटे सवाल, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। ईडी दफ्तर में गुजरी रात, जेल से चलेगी सरकार। आखिरकार दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची और 2 घंटे की पूछताछ के बाद जब ईडी की टीम केजरीवाल को गिरफ्तार करके बाहर निकली तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी नेता सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।